अभी हमारे पास जो प्रिंटर है ये कैनन का G20 है, जो लेटेस्ट मॉडल है अभी। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका जो ऑन करने के बाद डायरेक्ट जो है इसमें 6000 का एरर कोड दे रहा है और सी मैनुअल का मैसेज आ रहा है, सपोर्ट कोड 6000 सी मैनुअल। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप जो है इसका कोड के भरोसे यदि आप रिपेयर करना सोचते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपको जो है कोड से ही सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी देखिए, हमने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद हम प्रिंटर को फिर से ऑन करते हैं, तो इसमें आपको देखेंगे कि ये जो प्रिंटर जो है हल्का सा मूव करता है और मूव करने के बाद ये झटका देके हल्का सा एरर आता है। इसमें फ्रेंड्स हमको जो प्रॉब्लम है वो साफ साफ हमको दिख गई है। इसका जो बेल्ट है ये बेल्ट टूटा हुआ है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एरर सपोर्ट कोड जो 6000 है इसमें कई तरह से प्रॉब्लम आपका क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी तो इसका इंक वाली पाइप भी खाली है और इसमें ये 6000 का एरर कहाँ कहाँ से आता है इसके बारे में भी हम इसको आपको समझाते चलेंगे। और फिलहाल हम इस प्रिंटर को खोल कैसे कर सकते हैं, कैसे डिसमेंटल करते हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप पीछे का 3 स्क्रू आपको मिलेगा और 3 स्क्रू खोलने के बाद आप पीछे का कवर जो है आसानी से खोल सकते हैं। अभी नीचे भी आपको 1 स्क्रू खोलना है, उसके बाद जो है इसको आप अच्छी तरह से पीछे का पूरा ट्रे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद आपको साइड का ट्रे निकालना पड़ता है। फिलहाल पहले हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमको साइड का कवर निकालना होगा। तो साइड का कवर निकालने के लिए आपको ऊपर लॉक मिलेगा। ऊपर लॉक से आप जो है यहाँ पर यहाँ से इस तरह से, और पीछे एक लॉक मिलेगा इस तरह से। तो दोनों लॉक आप ऊपर से निकाल देंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक लॉक आपको नीचे मिलता है, नीचे के साइड में होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक है। और इसी तरह से सेम आपको इस साइड और उस साइड, दोनों साइड में आपको पैनल खोल लेना है। पैनल खोलने के बाद हमको स्कैनर निकालना होता है, और स्कैनर निकालने के लिए हमको स्कैनर के दोनों साइड में आपको केबल मिलेगा। और सब प्रिंटरों में आपने देखा होगा कि स्कैनर के एक ही साइड में आपको केबल मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्कैनर के दोनों साइड में केबल मिलेगा। एक आपका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का जो केबल होता है वो होता है, और एक स्कैनर यूनिट का आपका केबल होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको खोलते समय कि आपको दोनों तरफ से जो केबल होता है उसको आपको पहले निकाल देना है, और दूसरा वाला केबल ये ब्लैक वाली पट्टी के साथ दबा होता है, इस ब्लैक पट्टी को पहले आप निकालेंगे और उसके बाद आप जो है इसके नीचे से आप केबल निकालेंगे। तो इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स आप स्कैनर निकाल सकते हैं, और स्कैनर निकालने के बाद आपको नीचे का ये कवर हटाना पड़ता है। तो नीचे का कवर हटाने के लिए आपको 4 से 5 स्क्रू लगभग मिलते हैं। तो 2 स्क्रू आपको ट्रे के पीछे मिलेंगे और 2 स्क्रू आपको सामने के साइड में मिलेंगे। लेकिन सामने के साइड में आपको जो 2 स्क्रू मिल रहे हैं इसके अलावा आपको 2 स्क्रू और खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो टैंक का जो कवर दिया हुआ है ये कवर आपको पहले निकालना पड़ता है, तभी आप ऊपर का ये कवर निकाल सकते हैं। तो टैंक का स्क्रू आप खोलने के और टैंक का स्क्रू खोलने के बाद अब टैंक का पहले कवर निकालेंगे। इसके अलावा सारे वायर जो इससे कनेक्टेड हैं उस सभी वायर को आप निकालेंगे, उसके बाद इस कवर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आता है ये प्रॉब्लम आपका जैसे कैरेज में जो पूरा मूविंग सिस्टम होता है कि आपका कैरेज कहाँ से कहाँ तक मूव करना चाहिए, और इसको दूरी नापता है आपका ये इनकोडर जो इसमें लगा होता है पतली वाली पट्टी। इससे आप जो है इसका ये प्रिंटर कितना मूव कर रहा है मोटर के उस रीडिंग के हिसाब से इसमें मैसेज जाता है। यदि ये कैरेज पूरी तरह से मूव नहीं कर पाएगा, यानी पूरा लेफ्ट से राइट तक पूरा अपना रीडिंग नहीं पाएगा, तब भी आपका जो है ये आपका जो 6000 का एरर सपोर्ट कोड है ये आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको इनकोडर चेक करना पड़ता है, इनकोडर मतलब पतली वाली पत्ती। उसके अलावा आपको कैरेज देखना पड़ता है कि कैरेज में कोई केबल या कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है कि जिसके वजह से ये पूरा इधर से उधर नहीं, मतलब लेफ्ट से राइट तक पूरा चल नहीं पा रहा है। इस तरह से आप जो है इसको देख के जो एरर सपोर्ट कोड है या एरर कोड समझ लीजिए कि जो 6000 है इसका सीधा सीधा आप फंडा ये समझिए
कि कैरेज के मूवमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, और कैरेज के मूवमेंट में दिक्कत आपको मोटर से भी आ सकती है, इनकोडर से आ सकता है, या कैरेज के पीछे जो इनकोडर की रीडिंग वाली जो सेंसर लगी होती है उसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आपका क्रिएट होता है। तो आशा है फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम आपको कहाँ से आता है। 6000 का एरर जो होता है या सपोर्ट कोड जो होता है आपको कैरेज मूवमेंट से होता है। तो जो भी प्रॉब्लम आपको 6000 से आ रहा है तो आप इस कैरेज मूवमेंट को सही करेंगे, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा है फ्रेंड्स ये जानकारी आपको काम की रही होगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।